नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित चीमा स्वागत करता हूं आपका आज की एक नई वीडियो में। आज पहुंचा हूं ग्राम सलामतपुर के अंदर, जो कि डिस्ट्रिक्ट की बात करूंगा तो बुलंदशहर के अंदर ही पड़ता है, स्टेट आपका यूपी है। आज एक ऐसे किसान भाई या ऐसे शख्स के पास पहुंचा हूं जिनके पास में कई सारे ट्रैक्टर हैं और अलग अलग ब्रांड के ट्रैक्टर यूज़ कर रहे हैं। अनुभव काफ़ी पुराना है, किराए भाड़े का तखड़ा का लंबा चौड़ा आप काम कह सकते हो। तो अनुभव की बात मैं करूँ तो काफ़ी पुराना है ही है, साथ साथ इम्प्लीमेंट जो है ना वो भी काफ़ी सारे चलाए हैं। तो सारी कुछ चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जानने के साथ साथ आपको इम्प्लीमेंट भी मैं दिखाऊंगा और किसान भाई के साथ जो परिचय है ना आपका वो भी मैं कराने की कोशिश करूंगा। तो चलिए सीधा मैं आपको सबसे पहले किसान भाई के साथ जो परिचय है वो आपका कराता हूं और उनसे जान लेते हैं ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा कि कौन कौन से ट्रैक्टर चलाए हैं। फिलहाल में भी 3-4 ट्रैक्टर चला रहे हैं, उनके ऊपर सुई आकर के किस तरीके से रुकी, सारी कुछ चीजों के बारे में बात करेंगे। मुंडे पागल ने सारे गल्लां वड्डियां वड्डे लाल उम्र दी हौली अड़िए तू नी बच के छड्ड गुस्सा हुण जाण दे क्यों अखां ने भरियां नी क्यों गल चो लाउण नू फिरदी जो हत्थी गानियां पईयां नी सबसे पहले मैं आपका किसान भाई के साथ ही परिचय कराऊंगा। नमस्कार जी भाई साहब। नमस्कार सर। सामने से जो आपको हमारे किसान भाई दर्शक भाई देख रहे हैं, एक छोटा सा परिचय आपने अपना कराएं। सर, मेरा नाम जतिन कुमार शर्मा, जिला बुलंदशहर, तहसील अनुपसर, गांव सलामतपुर का मैं निवासी हूं। जी, तो जतिन भाई, अब अपने पास फिलहाल की बात करूं तो कितने ट्रैक्टर हैं? हमारे पास भाई साहब 4 ट्रैक्टर हैं, 51-05, 53-10 और 42-47। जैसे आप दो अलग अलग कंपनियों के ट्रैक्टर चला रहे हैं तो दोनों के बारे में सबसे पहले तो आप ये बताएं कि विशेषताओं के अंदर दोनों में क्या क्या अंतर लगा आपको? नहीं, सब दोनों में अलग अलग विशेषताएं हैं। ट्रैक्टरों में ऐसी की अपनी अलग खास बात है, जॉन डियर की अपनी अलग खास बात है, अलग अलग खास बात है दोनों में। तो क्या इनसे पहले भी किसी अदर कंपनी का ट्रैक्टर चलाए हैं आपने? नहीं जी, हमने मैसी चलाए हैं शुरुआत से। मैसी? हाँ, मैसी और जॉन डियर ही। किस किस कीमत के अंदर खरीदे थे, थोड़ा सा कीमत का भी अंदाजा मेरे किसान भाइयों को आप कराने की कोशिश करें। जी, हमने 53-10 लिया था पिछले साल 2021 मॉडल जी, तो ये हमने 8.5 लाख रुपए का लिया था। अब 51-05 लिया है, ये 7,80,000 रुपए का लिया था, वो 22 मॉडल है। हाँ, ये जनवरी में लिया था 2022 जी, जी, जी। और एक हम पे मैसी 241 है, 7 मॉडल, और ये क्या नाम है, 18 मॉडल है मैसी 241 जी। तो फिलहाल में 4 ट्रैक्टर अपने पास में। हाँ जी। तो जैसे पहले आप मैसी चलाते थे, जॉन डियर में जाने का विचार क्यों बना? जॉन डियर पे जाने का जी विचार इस वजह से बना, रोटावेटर की वजह से जी। कहीं ना कहीं मैसी इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कर नहीं पाता है रोटावेटर पर जी, तो इस वजह से हम जॉन डियर पर शिफ्ट हुए। अच्छा, मार्केट के अंदर बहुत सारी कंपनियां हैं और जॉन डियर के प्रति एक मिथ बना हुआ है लोगों के अंदर कि यार तेल बहुत ज्यादा खाता है, तो आपको डर नहीं लगा कि यार ऐसा हम जॉन डियर की तरफ जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि साला तेल ही तेल खाए कम ना करे, ऐसा नहीं लगा? भाई साहब, अब देखो पहलवान खाएगा जब भी कुश्ती लड़ेगा। हाँ, तेल तो जी खाता है, खाता है तेल। हाँ, तेल खाता है और काम भी ऐसा ही करता है। अच्छा, जैसे तेल खाता है ट्रैक्टर, ये मतलब ठीक ठाक तो खाता ही है? ठीक ठाक खाता है। तो क्या उस हिसाब से काम भी करता है, ऐसा तो नहीं कि जीदू खाता हो यार तेल खा रहा है यार काम नहीं कर रहा? नहीं नहीं, इसे पे आपको बैठने के बाद जो है ना ताकत की कमी तो महसूस होती नहीं है कि हाँ जी ट्रैक्टर दब रहा है या फिर घुट रहा है, ताकत की कमी आपको इसमें महसूस होती नहीं है। तो वहाँ तेल तो थोड़ा ज्यादा लेता है ट्रैक्टर, ऐसा तेल ज्यादा लेता है। अगर हम कंपेयरिंग करें अदर ट्रैक्टर से तो तेल हल्का सा, हाँ थोड़ा ज्यादा लेता है और ट्रैक्टरों से। तो थोड़ा सा अगर मैं आपसे एक अनुमान लेने की कोशिश करूं, जैसे सुपर सीडर पे आप चला रहे हो, हाँ। तो सुपर सीडर के ऊपर घंटे के अंदर लगभग कितना डीजल खा लेता हो, कुछ अनुमान लिया हो आपने? हाँ सर, 7-8 लीटर डीजल इस पे खपत कर लेता है। 7-8 लीटर खा लेता है। तो 7-8 लीटर डीजल जैसे खा लेता है ट्रैक्टर, ऐसी शिकायत तो नहीं बन जाती कि ट्रैक्टर यार घुटने लगता हो सुपर सीडर के ऊपर, कहीं ऐसी स्थिति बन जाती हो? नहीं नहीं नहीं, ऐसी स्थिति तो खैर नहीं बनती है, लेकिन जब ज्यादा मिट्टी फंस जाती है तो हमें गियर चेंज करके और जब चलाना पड़ता है जी। तो जैसे 53-10 आप सुपर सीडर के ऊपर चला रहे हैं, हाँ, कितने फिट का सुपर सीडर है अपना? सर, ये 7 फिट का सुपर सीडर है। 7 फिट का सुपर सीडर है। तो लगभग घंटे में बिजाई की बात करूं तो कितनी बिजाई निकाल देता होगा?
हाँ 9 बीघे के लमसम में कर देते हैं हम, 8-9 8-9 8-9 मतलब खुल के चलता है ट्रैक्टर, वो दिक्कत नहीं होती। हाँ, हाँ यार घुट रहा हो जी, दब रहा है कि जी लिफ्ट ऊपर करो नीचे करो, वो कुछ नहीं डाला और बेहतरीन चलता है। लिफ्ट पे तो हाथ रखना ही पड़ता है क्योंकि इतनी भारी मशीन है, तो कहीं ऊपर कहीं नीचे जी। वैसे ट्रैक्टर अपनी तरफ से दाब नहीं मानता कि हाँ, लोड लेके चल रहे हैं, लोड लेके चल रहा है या फिर आपको ताकत की कमी महसूस हो रही है, ये ऐसा नहीं है। संतुष्टि की बात करूं तो संतुष्टि कितनी है ट्रैक्टर? संतुष्टि सर इसमें क्या नाम है, संतुष्टि तो खैर पूरी है, लेकिन थोड़ा डीजल का थोड़ा सा खर्च ज्यादा है और एक इसमें गियर की थोड़ी दिक्कत है कि क्या नाम है, इन्होंने 3 गियर दिए हैं, पहला दूसरा तीसरा। पहले गियर में इन्होंने चाल दे दी इसमें आपको 2 किलोमीटर प्रति घंटे की, दूसरे में दे दी 3 की, और जैसे हम तीसरा गियर लगाते हैं तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दे दी, तो कहीं ना कहीं उन्होंने मिस किया, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल और होनी चाहिए थी ट्रैक्टर में। यानी कि जहां पर 3 गियर हैं वहां पर अगर 4 गियर हो जाते हाँ, तो स्पीड थोड़ी सी बढ़ती, हल्की हल्की बढ़ती, पता नहीं पड़ती, वो ज्यादा बेहतर, हां वो ज्यादा बेहतर। तो ये कमी आपको इसके अंदर, हां ये कमी हमको लगी। इसके अलावा अगर बात करूं तो और कुछ कमी ट्रैक्टर के अंदर नजर आई हो आपको कि हां ऐसा कुछ लगा हो कि यार इसको अगर कंपनी ऐसा कर देती ज्यादा अच्छा हो जाता? नहीं, कंपनी को क्या नाम और इसके धुएं के ऊपर थोड़ा काम करने की वो है, क्योंकि ये थोड़ा धुआं दिखाता है ट्रैक्टर। अच्छा, धुआं दिखाता है ट्रैक्टर, 53-15 ही दिखाता है केवल धुआं। हमारे पास पहले 50-50 ई था, वो नहीं दिखाता था। अच्छा, पहले 50-50 ई भी चलाया? हाँ, ई भी चलाया हमने जी। 2013 में लिया था हमने और अभी 21 में ही पिछले साल बेका है वो ट्रैक्टर, तो वो धुआं नहीं दिखाता था। अच्छा, 13 से जॉन डियर आप चला रहे थे जो कि 21 तक चलाया? 21 तक चलाया। तो मतलब कहने का ये है कि काफी पुराने मतलब जागरूक किसान है आप, शुरुआत से जॉन डियर आपने चलाया? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, पहले मैसी चलाते थे भाई साहब, 52-45 भी रहा है हमारे पास, तो उसके बाद फिर हम जॉन डियर पर शिफ्ट हुए। जॉन डियर की बात तो हमने कर ली, बात अगर मैसी की कर लें तो मैसी के अंदर मतलब क्या खासियतें आपको नजर आई अगर हम दोनों की तुलना करने की कोशिश करें? देखो एचपी का अंतर है वो तो एक अलग चीज रह जाती है, उसके अलावा अगर मैं अंतर की जानने की कोशिश करूं तो क्या अंतर आपको लगभग लगा? भैया हमारे पास बाग है तो बाग में मैसी कामयाब है और कोई ट्रैक्टर कामयाब है नहीं, क्योंकि छोटा आराम से निकल जाता है पेड़ों के नीचे से, तो मैसी कामयाब है। और भाई साहब खी गाओ देसी ट्रैक्टर चलाओ, मैसी होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसका भी काम अपनी जगह अगर देखा जाए, हाँ अपनी जगह देखा जाए तो बहुत बढ़िया काम है। लिफ्ट के मामले में तो खैर इसका कोई वो है ही नहीं, चैलेंज आप कर ही नहीं सकते। अच्छा एक चीज और मैं आपसे जानने की कोशिश करूंगा, जैसे अपने पास में ये 5105 खड़ा है, क्योंकि हाल में आपने जनवरी में खरीदा? हाँ जी 13 जनवरी को। फोर व्हील ड्राइव है, 40 HP के अंदर ट्रैक्टर आता है, ये आता है अपना 41-42 HP के अंदर आता है। तो दोनों की ताकत में कितना अंतर लगा आपको? अगर मैं फोर व्हील हटा दूं इसका तो ताकत में कितना अंतर लगा? ताकत में जी काफी अंतर है, मतलब जॉन डियर की आप किसी और ट्रैक्टर से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं। क्या कारण रहता है वो? क्या कारण जी, इसमें क्या नाम है, आप हैरो पे चला लीजिए, आप टिलर पे चला लीजिए, कल्टीवेटर पे, किसी भी रोटावेटर पे चला लीजिए, तो मैसी से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करता है ट्रैक्टर। अच्छा लोग कहते हैं कि मैसी की जो लिफ्ट है वो बड़ी कमाल की होती है, कल्टीवेटर इसके जैसा कोई खींचता नहीं। अगर मैं इससे आपकी इससे कंपेयरिंग करने की कोशिश करूँ तो इसकी खिंचाई कैसी है कल्टीवेटर के ऊपर? नहीं कल्टीवेटर पे इसी के जॉन डियर की खिंचाई ज्यादा है। अच्छा इससे ज्यादा है? हाँ इससे, इस इतने हॉर्स पावर में इससे ज्यादा है। अगर हम टू व्हील निकाल दें, टू व्हील में इसे चलाएं और टू व्हील ये ट्रैक्टर है इसे चलाएं, तो इसका परफॉर्मेंस बढ़िया है। 11 के कल्टीवेटर पर हम 11 का ही कल्टीवेटर चलाते हैं, इसका ज्यादा बढ़िया। हाँ इसका ज्यादा बढ़िया। लोग तो कहते हैं जी मैसी का बढ़िया है, मैसी की सेंसिंग बहुत बढ़िया है हम कह दें तो, लेकिन जब आप सूखे खेत में जाते हो तो कहीं वो लिफ्ट कम लगती है जी, लेकिन ये पूरी गहराई पर उतनी डेप्थ पे खींचता रहता है। यानी कि एक वो वाली चीज आ जाती है, दोनों लीवर अगर हम इसके डाल देंगे, पीछे कल्टीवेटर डाल देंगे तो सेंसिंग प्रॉपर करेगा आपको। हाँ, बार बार लीवर छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसके अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी हमें पहले। आप इस पे भी गहराई सेट कर दीजिए, ये भी खींचता रहेगा, ये भी खींचता, लेकिन ये ज्यादा गहराई में खींच देगा, ये थोड़ा कम गहराई में खींचेगा, कम गहराई में खींचेगा। यानी कि बात वो वाली आ जाती है, किसान को तभी ऐसा लगता है कि इसका परफॉर्मेंस ज्यादा बढ़िया है क्योंकि उसको बार बार लीवर नहीं छेड़ना पड़ता, गहराई वो उतनी ही लेता है जितनी उसको लेनी। अगर आप इसको चलाओगे तो साइड में आप में किनारों पे जाके इसके भी लीवर छेड़ने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप फोर व्हील इसमें लगा देते हो तो इसमें नहीं छेड़ने पड़ेंगे, इसमें नहीं छेड़ने पड़ेंगे। अच्छा जैसे फोर व्हील ट्रैक्टर आपने खरीदा है, क्या इसके पहले फोर व्हील चलाया था कभी? नहीं जी कभी नहीं चलाया। क्या कारण बना फोर व्हील की तरफ जाने का? हमको क्या चाहिए था कि हमें डबल क्लच चाहिए था ट्रैक्टर, अब ये सिंगल उसमें आता नहीं था, जैसा हमने ले लिया सादा ट्रैक्टर ले लिया हमने टू व्हील ड्राइव ट्रैक्टर, तो उसमें डबल क्लच थी नहीं, तो इस वजह से हमने फोर व्हील लिया था ट्रैक्टर। इस वजह से आपने फोर व्हील लिया था। तो क्या फोर व्हील लेने के बाद में आपको कुछ अंतर लगा फोर व्हील होने की वजह से? हाँ फोर व्हील का अंतर लगा जी।
क्या अंतर लगा लगभग? ये अंतर लगा, क्या नाम है, हाँ, हैरो कल्टीवेटर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है इसका। अच्छा, इसकी काट जो है वो मेसी से ज्यादा है हमारे पास। मेसी अच्छा, काट भी इसकी, हाँ, ज्यादा, इसकी ज्यादा है ट्रैक्टर की। बाकी जैसे फोर व्हील ट्रैक्टर है तो फोर व्हील ड्राइव के ऊपर जब आप चलाते हो तो कुछ डीजल खपत में भी अंतर आता है क्या? नहीं नहीं नहीं, डीजल खपत में कोई अंतर नहीं आता। लोग ये सोचते हैं कि फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर ले लेंगे, मेंटेनेंस बढ़ जाएगा, डीजल खपत बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ होता है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है जी, कोई डीजल खपत ज्यादा नहीं है फोर व्हील में, कोई ज्यादा नहीं है। अच्छा, जैसे फोर व्हील में और टू व्हील में दोनों में आपने चला के देखा होगा ट्रैक्टर? हाँ, दोनों में। तो कितना अंतर आता है अगर सेम इम्प्लीमेंट के ऊपर हम टू व्हील में चलाएं? काम कम निकलता है, काम कम निकलता है, यानी कि जो स्लिपेज वाली दिक्कत, हाँ, स्लिपेज है, वो कहीं ना कहीं आ जाती है, लीवर छेड़ने की जरूरत पड़ जाती है फोर व्हील के बाद में वो दिक्कत। हाँ, फोर व्हील लगने के बाद आपको ताकत की कमी महसूस होती नहीं है कि होती है? इसकी डीजल खपत आपसे जानने की कोशिश करूं, लगभग आपने क्या अनुमान लिया इसका, क्या डीजल खपत निकल कर गया? ये अगर रोटावेटर की बात कर लूं मैं, रोटावेटर पर 5 से 6 लीटर डीजल खा लेता है, 5 से 6 लीटर खा लेता है। यानी कि अगर एक चीज ये भी देखी जाए कि अपनी एचपी के हिसाब से ट्रैक्टर डीजल जो है वो ठीक ठाक करता है, ठीक ठाक, ठीक ठाक लेता है डीजल और ठीक ठाक ही काम करता है, काम भी ठीक ठाक करता है। ये नहीं कि जी दुखा रहे हो, हाँ, जी दुखा रहा है। अच्छा, इसकी डीजल खपत मैं आपसे जानने की कोशिश करूं तो इसकी डीजल खपत कैसी आती है घंटे के? तो सर हम रोटावेटर पे चलाते नहीं है, हैरो पे ही चलता है, बागों में ही चलता है ज्यादातर, और कभी कभार ही चलता है हमारा ट्रैक्टर, तो ज्यादा नहीं 4 से 5 लीटर डीजल इतना लेता है 16 की हैरो पे, 4 से 5 लीटर डीजल खाता है। और इसको 16 की हैरो पे चलाएं तो ये लगभग 6 के समथिंग जाता है। हाँ, ये भी 5 साढ़े 5 मान लो आपको, 5 साढ़े 5, लेकिन ये इससे इतनी डीजल में इससे काम ज्यादा कर देता है ये। अच्छा, ये काम ज्यादा कर, और इससे तेज चलता है, मैसी से तेज चलता है ये, चाल भी ज्यादा है, काम इसको आप पहले गियर में चला सकते हो, इसको पहले में भी चला सकते हो और टॉप के लो में भी चला सकते हो, चौथे के लो में, टॉप के लो में इसकी चाल पहले के हाई से भी ज्यादा हो जाती है जी। तो अगर एक चीज ये भी देखी जाए कि काम की अगर हम तुलना कर लें तो इसका काम कहीं ज्यादा है इससे, हाँ हाँ, मैं इससे कहीं ज्यादा बेहतर काम करता है जी। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने हमारे साथ किसान भाई जुड़े हुए थे, आपको बारीकियों से समझाने की कोशिश की मैंने, हर एक चीज के बारे में जानने की इनसे कोशिश की कि क्या चीजें हैं, किस तरीके से क्या अंतर ट्रैक्टरों के अंदर नजर आया। काफी पहले से जॉन डियर भी चला रहे हैं और मैसी भी काफी पहले से चला रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये मत कहने लगना कि भाई मैसी की बुराई कर दी, इसकी तारीफ कर दी, तारीफ या बुराई का मकसद नहीं है, जो चीज जेन्युइन है, जो चीज ग्राउंड लेवल की चीजें हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद हमेशा से रहता है, कि आपको वो चीजें बताई जाएं जिससे कि आपको कुछ ना कुछ नॉलेज मिले और आपका कहीं ना कहीं कुछ बेनिफिट हो। बाकी इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। नेक्स्ट वीडियो में आपको 5310 का सुपर सीटर के ऊपर जो परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा कि किस तरीके का है, कैसा है, तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बाकी फेसबुक पेज पर देख रहे हो वीडियो तो पेज को भी फॉलो कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही किसी नई और शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखी गहराइयों से मुस्कुराहट के साथ प्रेम पूर्वक धन्यवाद।